ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਲਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦਿਨ ਤਲਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਖੋ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। इस संबंध में जदों थाना मुखी तलवाड़ा दे पक्ष लैण दी कोशिश कीती तां उन्हां वल्लों पत्रकारां वल्लों बार बार फोन करन ते भी फोन दा कोई जवाब नहीं मिलिया। बाकी तुसी इह वीडियो देखो। लाइव पंजाब न्यूज़ तों सोनू थापर दी विशेष रिपोर्ट। ड्रामा नहीं दिता सब जी मेरा नाम नितिश शर्मा पुत्र श्री चमन लाल शर्मा मेन मार्केट तलवाड़ा का रहने वाला जी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा इस रिकॉर्डिंग कर रहा कि मेरे नाल पुलिस ने जरा धक्का किया और मेरी सिस्टर और मैनू जो हरास किया गया ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਰਾਸ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਰੂਟੀਨ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫੋਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਫੋਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਫੋਨ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਇਕੱਲੇ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ। ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਬਾਕੀ ਤਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ जिस टाइम मैं उत्थे मौके का खड़ा हूँ उसे टाइम ही SHO सर आ जाते अपनी हूटरबाग की गड्डी। उस तो पहला 10 मिनट पहला मैं पवनपुरी अंकल मिले से उत्थे उन्होंने आके मैंने इन्नी गल कही कि असी तारा ये तोड़ दी मतलब हो गया काम। मैं अंकल जी ये तुसी गलत किया। अंकल कहिंदे कि आपां कुछ गलत नहीं किया गलत तुसी किया। इन्ने नूं SHO साहब आते हैं उत्थे सानू गड्डी दे विच जबरन बिठाया जाता मेरा फोन खोया जाता। मैं सर मेरी गलती दसो क्या है? मैं सिर्फ एक अपने प्लांट के खड़ा होया मैं क्या ऐसा कुछ करता कि तुम मैं पकड़ के लैके चले हो? मैं कसूर तो दसो। भाजी हुणां दा काम की करते दीदी हुणे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं दीदी हुणां दा फोन खोया जाता मेरे दोनों फोन खो के अपने को रख ले जाते हैं। मैं सिर्फ इन्नी गल पूछना चाहता इन्हों कि मैं क्या ऐसा करता था कि तुम मैं अपने प्लाट के अपनी मैं मलकीत जमीन है मेरी अपने पापा जी के नाम पर है मैं जस्ट एक देखण गया कि मेरी तारा नाल क्या होया या क्या उत्थे मेरी चार दीवारी नुकसान पहुँचाया गया। जदों मैं जाके देखदा है तो तुसी मैनू हरास करते हुए गालां करते हुए दीदी का फोन छिंदे हुए जबकि असी दोनों ब्रदर सिस्टर दुकान पर और शॉप साड़ी पिछे खुली हुई है। असी जदों थाने लैके जाया जाता मैनू दीदी जी परेशान पिछे घूमते रहेंगे। मैनू सवेरे 9:30 बजे इन्होंने थाने अंदर रखिया। किन्ने बंदे ने थाने लैके? मैनू बिट्टू भाजी नू ते सिस्टर हुणां तां फोन वगैरह खो के ये लै गए सीगे। बाई नेम कंप्लेंट दित्ती गई तुहाडे? बाई नेम कोई कंप्लेंट नहीं सी। मैं उत्थे उन्होंने पूछा भी कि सर मैनू किस बेस ते तुसी इत्थे लैके आए हो? उन्हां दा जवाब ये सी कि कोई गल नहीं असीं तुहानूं दसदे आं। ते अंदर मैं बहुत ही बार उन्होंने बार बार जिद करता रहा भी भाजी मैनू दसो तुसीं किस बेस ते और किस बिहाफ ते मैनू अंदर लैके आए हो? दूसरी पार्टी दे बंदे लैंदे गए? नहीं जी दूसरी पार्टी का कोई बंदा नहीं लिया गया असीं सिर्फ 3 बंदे। बेटी जी बीबी जी वीडियो नहीं बनाई थी किदी बनाई थी वीडियो किदी बनाई थी वीडियो और मेरे तो डिलीट किया गया। डिलीट करन नु किदा हुंदा है? कौन डरदा डिलीट करो जड़ा गलत हुंदा है। एक गलत सी ता मेरा फोन खिंच के लग गए सी एक गलत सी ता उठो डिलीट किया गया मगर वो परमात्मा साडा बैठा होया कोई ना कोई तो बेस्ट विचर है जो आज भी इकट्ठे हुए बेस्ट विचर साडे बस उना को वीडियो है जो पेश की जाएगी। SHO देखो सी पूरी इदा गैंग पूरी अपनी नु लेके मैं तो गैंग ही शब्द कहवांगे थोड़ी की है कितने भी कर दो शरेआम गुंडागर्दी करी जा रहे हैं। कुछ सबूत नहीं है कुछ रिपोर्ट नहीं है कुछ नहीं है बस अंदर करता। जदों मैं उत्थे
ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਸ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਅੰਦਰ